नमस्कार, औषधि की श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। और आज मैं एक ऐसे विषय पे इस व्याख्यान में चर्चा करना जा रहा हूं जो हमारी परंपरा, हमारी पारंपरिक दृष्टिकोण से किस प्रकार जनता प्रभावित होती है अपने शोषण के विरुद्ध लड़ने के लिए, उसकी महत्ता आपको समझने में काम आएगी। विषय है बाबा रामचंद्र और रामचरितमानस। यानी अगर लोक भाषा में उसके प्रयोग की बात करें तो रामायण का एक क्रांतिकारी प्रयोग किसानों को लामबंद करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ, उन ताल्लुकदारों और जमींदारों के खिलाफ जो अंग्रेजों के साथ मिलकर उनका शोषण करते थे, देश की समस्याओं को उजागर करने के लिए, किसानों के शोषण को उजागर करने के लिए, और उनको लामबंद करते हुए उन नेताओं को भी जनता के सामने दिखाते हुए, यानी उनकी पोल खोलते हुए जो केवल किसानों का उपयोग करते थे, किस प्रकार से बाबा रामचंद्र ने अवध के इलाकों में किसानों को लामबंद किया। यहां एक बात ध्यान रखिएगा कि हम लोग हमेशा विदेशी परंपरा में ध्यान देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर ग्राम्शी कहता है कि एवरी मैन इज एन इंटेलेक्चुअल, कि हर व्यक्ति एक बौद्धिक जीवी है, तो हम तुरंत ग्राम्शी को कोट करते हैं। मैंने भी कर दिया था। लेकिन जब तुलसीदास ये कहते हैं कि हित अनित पशु पक्षी जाना, मनुष्य तन गुण ज्ञान निधाना, कि हित अनित तो पशु पक्षी भी अपना जानते हैं और मनुष्य का जो तन है वो तो ज्ञान गुणों से भरपूर है। और वो इस बात को ग्राम्शी से 500 साल पहले कहते हैं, लेकिन हम तुलसीदास को याद नहीं करेंगे, रामायण को याद नहीं करेंगे, लेकिन अपनी जो मानसिकता हमारे दिमाग में गुलामी की आ चुकी थी, उस मानसिकता के आधार पर हम केवल ग्राम्शी को कोट करेंगे। ठीक है, ग्राम्शी को कोट करना कोई गलत बात नहीं है, उसने वो यूरोप के, फ्रांस के उस परिप्रेक्ष्य में वो बात कही। यहां एक बात और ध्यान रखिए कि हमारे जितने किसान आंदोलन इस देश के अंदर हुए, उन आंदोलनों के अंदर जो नेतृत्व प्रदान किया गया, उस नेतृत्व प्रदान करने में हमारे साधु बाबाओं और फकीरों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर आप सन्यासी और फकीर विद्रोह से देखें, 1770 से यह परंपरा अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हुई, 1857 के अंदर आपने देखा कि कितना साधुओं ने, संतों ने, फकीरों ने अंग्रेजों का विरोध किया। और ये हमें हर किसान आंदोलन के अंदर मिलता है। स्वामी सहजानंद सरस्वती भी स्वामी थे, स्वामी विद्यानंद भी बिहार में स्वामी थे, और इसी प्रकार बाबा रामचंद्र जो है, फिजी से लौटने के बाद में, एक गिरबिटिया मजदूर के तौर पे जहां गए थे, लौटने के बाद में बाबा बन के अवध के प्रदेशों में, एक साधु बन के अवध के प्रदेशों में घूम रहे थे, जब उनका वास्ता किसानों से पड़ा, जहां उन्होंने किसानों के दुख दर्द देखे। और उनके पास प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव पट्टी तहसील में रूरे के कुछ किसान, सहदेव सिंह, झुगरी सिंह, ये पहुंचते हैं और कहते हैं कि बाबा, हम किसानों का शोषण हो रहा है, हमारा नेतृत्व करो। तो बाबा ये जवाब देते हैं, मुझे दुनिया से क्या लेना देना, मैं तो अब साधु हो गया हूं,
तो उस पर झिगुरी सिंह बाबा से कहते हैं, बाबा जब मृत्यु आएगी तब भी इस जमीन का 6 फीट तुम्हें चाहिए होगा, ऐसा मत कहो। और जो इस कष्ट है इस जमीन के ऊपर, साधु वो है जो उन कष्टों को दूर करने के लिए आ गया था। और बाबा रामचंद्र ने वहां से किसानों का नेतृत्व संभाला। एक इतना बड़ा आंदोलन अवध के अंदर खड़ा हुआ, अवध किसान आंदोलन 1920 से लेकर 1922 के बीच। और इस आंदोलन में किसानों को लामबंद करने के लिए, तालुकदार और अंग्रेज से लड़ने के लिए बाबा रामचंद्र ने रामचरितमानस का यानी तुलसी रामायण का व्यापक प्रयोग किया। और उसके लिए उन्होंने कारण भी दिए। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि अवध के अंदर राम भक्ति बहुत प्रिय थी, कण कण में मौजूद थी, हर जाति में मौजूद थी, हर संप्रदाय में मौजूद थी। इसीलिए मैंने उस भाषा को लेकर रामायण से, जो कि अवध के लोग समझते थे, उनको जगाने का प्रयास किया, उनको लामबंद करने का प्रयास किया। और यह एक बात ध्यान रखिए, आज भी अवध के इलाकों में रामायण की जो चौपाइयां हैं, लोग उसका उदाहरण हर प्रकार से देते हैं। मेरे तो एक प्रिंसिपल थे गाजियाबाद में, गोस्वामी जी, आरबीएल गोस्वामी जी, हम जब स्टाफ रूम में बैठते थे या उनके साथ बैठते थे और कोई बात हो जाती थी तो उस बात को स्पष्ट तुरंत रामायण की एक चौपाई पढ़ करके बता देते थे। आपको याद होगा राज नारायण जनता दल के नेता रहे, बहुत रामायण का प्रयोग करते थे। और पता लगा कि उन्होंने वो रामायण की चौपाइयां लामबंद करने को राजनीति में इस्तेमाल करने के लिए नैनी जेल में 1942 के आंदोलन में बाबा रामचंद्र जब उनके साथ नैनी जेल के अंदर मौजूद थे, वहां बाबा रामचंद्र से सीखी थी। और इन्हीं बाबा रामचंद्र ने जिस तरीके से उनका प्रयोग करना शुरू किया। और यहां एक बात समझ लीजिए कि ये जो साधु और बाबा है ना, ये जनता से जुड़े हुए हैं, ये जनता के बीच में विचरण करते हैं। और किसान नेतृत्व के अंदर एक तो ऐसे नेता हुए जैसे राजकुमार शुक्ल, किसान थे, दूसरी तरफ अतुरली सीताराम राजू या फिर मोतीलाल तेजावत भी लोग के अंदर, जो तो एक छोटे से व्यापारी थे लेकिन किसानों में रह के उनके कष्टों को देख करके उन्हें लामबंद किया। और या किसानों में ऐसे नेता आ गए जो राजनीतिक दल के नेता थे, अपने राजनीतिक दल का स्वार्थ पूरा करने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने के लिए वो किसानों के नेता बन बैठे। मैं आपको इस पे ज्यादा नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद अच्छी तरीके से इस वर्गीकरण को किसान नेतृत्व के बीच में समझते हैं। तो बाबा रामचंद्र एक ऐसे ही किसान नेता थे जिन्होंने गांव गांव घूम करके, पहले उनका गिरमिटिया मजदूर का जो फिजी के अंदर, उन्होंने वहां पे भी रामलीला उन्होंने शुरू की थी फिजी के अंदर, फिजी द्वीप में, और वहां का जो अनुभव थे, वहां भी संघर्ष किया था, 2 बार वहां भी जेल गए थे, वहां के गिरमिटिया मजदूरों की तरफ से संघर्ष किया था। मैं डॉक्टर मनीलाल के साथ रहे थे वहां पे, मास्टर तोताराम के साथ रहे थे विजी के अंदर, और बाद में यहां पे आकर के फिर उन्होंने किसानों को लामबंद किया। और रूरे से जो किसान सभा बनी थी तो उन्होंने तो उस पर भी एक रामायण की चौपाई लगा दी, बालकांड की। राज समाज विराजत रूचे रूरे, राज समाज विराजत रूरे, रामचंद्र सहदेव जमूरे, जिन लोगों ने किसान सभा बनाई उसको उसके साथ लगा दिया पूरा का पूरा। सीताराम का जो नारा था, अब रामचंद्र जहां भी किसानों को लामबंद करने जाते थे सबसे पहले वहां पे सीताराम का उद्घोष करते थे। और ये उद्घोष एक प्रतीक बन गया लामबंद करने का, एक प्रतीक बन गया शक्ति का। और मैं उसका उदाहरण देता हूं आपको, अवध के अंदर किसानों को ताल्लुकदार लगातार बेदखल करते थे, पता नहीं कितनी तरीके की जातियां करती थी उनके ऊपर। तो जब ताल्लुकदार के कारिंदे लठैत किसी किसान को बेदखल करने जाते थे तो किसान आवाज लगाता था जय सीताराम, आसपास के किसान उसको सुन लेते थे, जय सीताराम बोलते थे, करते करते वो आवाज गांव में पहुंच जाती थी,
पूरा गांव नारा लगाता था जय सीताराम, आसपास के गांव में फैल जाती थी, सारे गांव मिलकर नारा लगाते थे, और जिस जगह से उस सीताराम के नारा शुरू हुआ था सारे किसान वहां पे सौयों की हजारों की तादाद में वहां पहुंच जाएंगे, और जो तालुकदार के कारिंदे जबरन बेदखल करने किसान को आते थे वहां पे, वो उसको बेदखल नहीं कर पाते थे। तो सीताराम के इस संबोधन को, इस धार्मिक नारे को, मां सीता और मां राम को याद करने के, पिता राम को याद करने के इस नारे को बाबा रामचंद्र ने एक युद्ध का घोष बना दिया अवध किसान आंदोलन के अंदर। बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात थी, उनके तरीके बड़े अजीब थे साहब। घोषणा करवा दी जाएगी गांव में कि बाबा रामचंद्र इस दिन इस जगह पे भाषण देंगे, एक रात पहले बाबा रामचंद्र पहुंच जाएंगे, पेड़ पे छुप के बैठ जाएंगे ऊपर, जब सुबेरे गांव वाले नीचे इकट्ठे हो जाएंगे तो ठिठाक पेड़ से कूद करके नीचे आएंगे और सीताराम की जय का नारा लगेगा और लोग कहेगा किसानों की सेवा करने हनुमान जी आ गए। क्या तरीका था, दो पेड़ों के बीच में रस्सी बांध के उस पर खटिया लटका के, खटिया का प्लेटफॉर्म बन जाता था, उस पर बैठ करके जो है हजारों किसानों को वो भाषण देते थे। और अकेले किसान नेता ऐसे हुए हैं जिनको छुड़ाने के लिए 50,000 के करीब किसानों ने जाकर के प्रतापगढ़ की जेल घेर ली थी और अंग्रेजों को उन्हें मजबूर होकर छोड़ना पड़ा था। अब इस राम भक्ति का प्रयोग करते हुए उन्होंने एक बहुत ही क्या कहेंगे जिसे के उदार प्रयोग किया रामायण का। रामायण की जो चौपाइयां हैं, कौन सी चौपाई क्या चरित्र कह रहा है, किस परिपेक्ष में रामायण में कह रहा है, उस पे ना जाकर के उस चौपाई का वर्तमान समय में किसानों की जिंदगी से क्या महत्व है, उसके लिए उसका प्रयोग किया। एक उदाहरण देता हूं आपको, कैकई को रामायण में एक समाज में भी इस दृष्टि से देखा जाता है कि इन्होंने तो राम को वनवास दिया था तो एक अच्छा चरित्र नहीं माना जाता, मंथरा को कैकई को इनको। अब बाबा रामचंद्र क्या कहते हैं, एक दूसरा ही रूप उन्होंने कैकई को दे दिया। वो कहते हैं अगर कैकई समान मां नहीं होती तो भगवान राम को वनवास कैसे मिलता, और अगर वनवास नहीं मिलता तो रावण को कौन मारता। तो आज हमें देश में कैकई समान माताओं की जरूरत है जो रावण रूपी अंग्रेज और ताल्लुकदारों को मारने के लिए उस युद्ध में जाए, उसको वनवास कहते हैं, आजादी के युद्ध को वनवास कहते हैं, उस वनवास में जाए और इन रावणों को उखाड़ के देश से बाहर फेंक दे। लेकिन फिर वो कहते हैं क्या करूं, आज जितनी माताएं हैं उतनी ही धाराएं हैं। पर देखिए आप कि किस तरीके से वो कैकई के चरित्र की व्याख्या किसानों के बीच में करते हैं लामबंद करने के लिए। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि उनके आंदोलन में स्त्रियों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, उन्होंने ही आगे चल करके अवध में किसान इन सभा भी बनाई थी। ताल्लुकदारी व्यवस्था कैसे बनी अवध के अंदर, उसको भी वो रामायण से समाचे हैं। जैसे मात कुमत बड़ई अगमूला, उस चौपाई का इस्तेमाल वो वहां पे करते हैं, किस तरीके से इसकी ताल्लुकदारों की रचना कही, किसानों की जो स्थिति है उस स्थिति को वो बताते हैं, उस स्थिति से जो राम की वनवास के समय स्थिति है, कंदमूल खाते हैं, घर नहीं है, कुटिया बना रहे हैं, उन पूरी स्थितियों का वर्णन करते हुए वो किसानों की स्थिति को उजागर करते हैं कि तुम्हारी ये स्थिति होकर के रह गई है पूरे उसके अंतर्गत। इसी प्रकार जब लामबंद करने की बात आती है तो जिस प्रकार से रामायण में श्री राम ने अपनी सेना का गठन किया था और उस संगठन में वानर भी थे, भालू भी थे, सब प्रकार के लोग थे, उसी तरीके से वो किसानों को समझाता है कि सेना हमें लामबंद करके ऐसे बनानी होगी जिसमें सब जात होगी, 3600 जात उसके अंदर होगी, क्योंकि तुम्हारी जात किसान की है।
और सबको साथ लेके वो ताल्लुकदारों के खिलाफ जो विद्रोह होता है जनवरी 1921 से, वहां पे प्रारंभ आप देखिए कि मैंने देखा कि जो रिकॉर्ड उठा के देखे कि रायबरेली के मुंशीगंज में जो फायरिंग होती है, गोली चलती है, या फुर्सतगंज में जो गोली चलती है, वहां जो किसान मरते हैं, उसमें मैंने देखा हर जात का किसान है, हर जात उसमें आगे आकर के लड़ रही है। उसमें ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, कुर्मी भी है, पासी भी है, सारे के सारे मौजूद। ये एका बनी थी किसान आंदोलन की उस समय रामायण के उस महत्व से। और यही नहीं, जो मुसलमान किसान थे उस समय वो भी जय सीताराम का नारा लगाते थे। आगे चल करके जब इस आंदोलन के बाद हरदोई और बाराबांकी इन इलाकों में एका आंदोलन होता है किसानों का, तो वहां पे भी मदारी पासी जो है वो एक हाथ में सत्यनारायण की कथा, एक हाथ में मिलाद शरीफ लेकर के चलते हैं किसानों को लाभबंद करने के लिए। और जो कसम खाई जाती है कि हम एक रहेंगे और लड़ेंगे, गड्ढा खोदा जाता है, उस गड्ढे में पानी डाला जाता है, यह मान लिया जाता है कि यह गंगा मां है, और उसके ऊपर शपथ ली जाती है। या लोटे के अंदर जो पुरानी परंपरा है, लोटे के अंदर नमक डाल करके वो नमक घोल दिया जाता है लोट, कि सारे हम सब मिल गए और हम इसके ऊपर शपथ लेते हैं। लामबंदी के बाद जो तरीके अपनाने हैं युद्ध से लड़ने के लिए, बाबा रामचंद्र गांधीवादी नहीं थे, गांधी की बड़ा आदर करते थे। गांधी जी ने तो एक जगह लिखा भी है कि अरे भाई तुमने बाबा रामचंद्र के बारे में सुना है, हरिजन में लिखा उन्होंने एक इंटरव्यू देते हुए, तो उस व्यक्ति ने कहा है सुना है, अब बोला वो ऐसा व्यक्ति है बाबा रामचंद्र जो किसी के ऊपर उलता हुआ पानी फेंक देगा, लेकिन कहेगा ये अहिंसा, ये हिंसा नहीं है, मैंने इसको मारा थोड़ा है। गांधी लिखते हैं बाबा रामचंद्र के बारे में। और बाबा रामचंद्र की जो दूसरी गिरफ्तारी है वो गांधी के सामने ही हुई, काशी बनारस के अंदर ये काशी विद्यापीठ की इनॉग्रल करी जब गांधी ने उस समय पे, वो भी एक अलग राज है, एक अलग बात है उसमें। लेकिन इस युद्ध के अंदर जो तरीके अपना रहे हैं बाबा रामचंद्र के, कांटे पे कदलई फली, इन्हें काटना होगा तभी जाके कुल फल निकलेगा। और इसके साथ साथ वो वानर भालू जो जो तरीके युद्ध के अंदर अपना रहे हैं, लंका युद्ध के अंदर किस तरीके से वो युद्ध कर रहे हैं राक्षसों के साथ, यहां पे बाबा रामचंद्र के लिए जो राक्षस है वो रावण अंग्रेजी हुकूमत है, और राक्षस जो और हैं उसकी सेना के वो पुलिस वाले हैं या तालिकदारों के कारिंदे हैं, और जिनके खिलाफ लड़ने के लिए कि जिस तरीके से राम सेना रावण से लड़ी थी बुराई को दूर करने के लिए, वही लड़ाई आपको इस अंग्रेजी रूपी रावण के इस राक्षस रूपी ताल्लुकदारों से लड़ने के लिए आपको वही तरीके युद्ध के अपनाने पड़े होंगे। इसके अलावा एक और इस्तेमाल किया बाबा रामचंद्र ने 1930 के दशक, जब उसने देखा कि किस प्रकार से किसानों के साथ धोखा किया जाता है, क्या वायदे किए जाते हैं, क्या किया जाता है, तो उन्होंने ऐसे कांग्रेसी नेताओं का उस समय के चित्रण भी किया है रामायण की चौपाई देके। वो कहते हैं दो ही हाथ मुंह मोदक मेरे, ये ऐसे नेता हैं जो दोनों हाथों में अपने लड्डू रखना चाहते हैं, सिर्फ किसान का इस्तेमाल करना चाहते हैं। कई प्रकार की चौपाइयों का उन्होंने इसके अंदर प्रयोग किया है। मैंने एक पूरा आज से कई सालों पहले एक पूरा पर्चा इस पे लिखा था, यूजिंग द रामचरितमानस एज ए रेडिकल टेक्स्ट, जिसको छापा था मैंने, लेकिन मैंने आज ये जरूरी समझा कि मैं इसको आपके सम्मुख रखूं। और आजादी आने पर, उससे पहले बाबा रामचंद्र ने कई बार वो चीजें इस्तेमाल की, जैसे जिन्ना को लेके कहा कि जिन्ना बहुत बड़बड़ करता है कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। अरे कैसे ही नहीं रह सकते, आ जाए मेरे गांव में आके देखे, हिंदू मुसलमान का ख्याल रखे, मुसलमान हिंदू का ख्याल रखे, झगड़ा कहां से हो जाएगा। ये वो बाबा रामचंद्र जिसने अयोध्या के अंदर दिसंबर 1920 में अवध किसान सभा की रैली कराई थी, हजारों किसान वहां पे, हिंदू मुसलमान सब जाति का सब इकट्ठा होकर वहां पे आया था। अंग्रेजों ने पूरी कोशिश कर ली थी
कि उस मीटिंग में कोई ना आ पाए, लेकिन मार 70-80 हजार किसान वहां पे आया था। और जहां पे बाबा रामचंद्र अपने गले में एक फांसी लटका करके, वही फोटो उनकी मिलती है, पहुंच गया और कहते हैं कि अगर तुम ये शपथ नहीं लोगे कि इन रावण रूपी अंग्रेजों और ताल्लुकदारों को खत्म करने के लिए लाभबंद नहीं होगे इस संघर्ष के अंदर, तो मैं अपने गले को फांसी लगा लूंगा। ये थे बाबा रामचंद्र। कांग्रेस ने तो धुतकार दिया बाबा रामचंद्र को। 1940 के आंदोलन में जब किसानी ने बैठती है धरने के ऊपर, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने तो मना कर दिया था कि औरतें इसमें हिस्सा नहीं लेंगी, ये औरतें जाती हैं गिरफ्तारी देती हैं, तो एक प्रतापगढ़ के कांग्रेसी नेता वो कह देते हैं अरे कोई बड़े घरानों की औरतें बैठती तो कांग्रेस का कुछ नाम भी होता। उसका विरोध करते हुए बाबा रामचंद्र ने 7 पेज का पत्र जो है नेहरू को लिखा था कि हमारी देवियों का अनादर किया गया, ये व्यक्ति माफी मांगे। जब नेहरू ने अपनी बायोग्राफी में, अपनी ऑटोबायोग्राफी में बाबा रामचंद्र के बारे में लिखा, 2 पेज लिखे हैं, ये सीताराम की लामबंदी नेहरू ने लिखी है वहां पे कि किस तरीके से रामायण का उपयोग करते थे, लेकिन ये कह दिया कि बाद में तो बाबा रामचंद्र जो है अपने फायदे में लग गया, तो उसका जवाब दिया 13 पेज में बाबा रामचंद्र ने कि मैं आप पे कभी कुछ मांगने नहीं आया, ना कभी मांगने आऊंगा, मेरा जीवन किसानों के लिए है, इसलिए आप जो भी चाहे लिखें, जो भी चाहे करें, मैं इनको अपने तरीके से करूंगा। नारद की उपमा की बाबा रामचंद्र ने, एक छोटा लेख उनका मिलता है, उसमें लिखते हैं मैंने उस व्यक्ति से कहा चल भाई नारद से मिलेगा, मैं तुझे नारद से मिलवा दूं नारद जी से, तो उसने कहा हां हां चलो, तो बाबा रामचंद्र उसको घुमाते हुए चौराहे तक ले गए और चौराहे पर ले जाके जो पुलिस वाला खड़ा था बोले देख वो खड़ा नारद, बोले क्या मतलब, ये तो पुलिस वाला है, नारद जी के हाथ में तो वीणा होती है, चुटिया होती है, ये सब होता है, बोले वो सतयुग के नारद थे, आजकल के नारद तो ये पुलिस वाले बने हुए हैं जो काम करते। और बार बार वो ये कहते रहे कि अंग्रेजों के जाने के बाद में भी कोई सत्ता होगी, वो सत्ता किसकी होगी, यदि यही सत्ता उन्हीं के हाथ में दे दी जो आज अंग्रेजों के पिट्ठू हैं, तो हमारा हाल वही रहेगा किसानों का। और 15 अगस्त 1947 के दिन उन्होंने कहा था तेउ आज राजपद पाई चले धर्म मर्जाद मिटाई, कि आज तुमको राजपद मिल गया है और जो वायदे तुमने किए थे वो सारे वायदे तुमने भूल दिए। तो यहां एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, रामायण आपके जनजीवन से जुड़ा हुआ है, और रामायण की एक एक चौपाई अगर आप उठा के देखेंगे तो उस चौपाई का प्रयोग आज भी आप अपनी वर्तमान समस्याओं को लेकर के उनसे जोड़ करके आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।